बहुत परेशानी नहीं है, वो शौचालय की सफाई की जहाँ तक बात है तो हमने बोला है शौचालय कल साफ होगा और कोई इसलिए कोई बहुत परेशानी नहीं है। और घर जैसे तो व्यवस्था है भी नहीं, क्योंकि घर घर होता है और यहाँ के बड़े व्यवसायी लोग हैं, अच्छे से रहते थे घर में, उस तरह की व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल जैसे व्यवस्था है, और हमने समझाया है कि 6 दिन की बात है, आप लोग रहिए, और बाथरूम सफाई की बात है तो कल बाथरूम सफाई करवाई जाएगी और कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। कई लोग का दवा का भी है कि दवा और सुई जिसको पड़ता है नहीं दिया जा रहा है, तो उसके लिए प्रशासन से किस तरह की पहल करेंगे? इसमें दवा और सुई की किसी लोग को पड़ता है पहले से, किसी का बुखार चलता नहीं, विटामिन वगैरह है, चाहे किसी तरह की कोई सिम्टम दिख रहा है उनको दवा दिया जाता है। इन सारे लोगों में कोई सिम्टम नहीं, पॉजिटिव हैं लेकिन सिम्टम कोई नहीं है, जिसके वजह से कोई दवा की इन लोगों की कोई आवश्यकता हमें नहीं लग रहा है, और 6 दिन आराम करेंगे फिर ठीक हो जाएंगे। यहाँ के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग भय में जी रहे हैं उस मोहल्ले में? देखिए, भय उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है हृदय में, क्योंकि कोरोना जो है एक वायरस है, सभी के शरीर में हो करके गुजर रहा, और मजबूत लोग हैं उनको कोई कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बच्चों को बचाना है और सीनियर सिटीजन को बचाना है, इन्हीं दोनों लोगों पर, और जो बीमार हैं किसी तरह के, किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं उनको बचाना है, उनको अलग रखना है। और सारे लोगों में तो मजबूत हैं, उनमें कोई कोरोना की कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, और बच्चे को और बूढ़े को बचाना है। आप धैर्य बनाइए, कोरोना एक वायरस है, इसे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार में तो रिकवर भी हो रहा है, 78% लोग रिकवर हो गए, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए हैं, इसलिए सब लोग ठीक हो जाएंगे, कोरोना इटली और अमेरिका जैसे नहीं है यहाँ।